हेलो दोस्तों, वेलकम बैक, स्वागत है। आज बात करें सीन कॉन्फॉर्मेशन शेयर के बारे में। तो बेसिकली आपको क्या शेयर को बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, फिर होल्ड करना चाहिए, जितना भी क्वेश्चन है सब चीज़ का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग एंड तक वॉच करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, लाल कलर ज़्यादा से ज़्यादा उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट मिलती है। और वीडियो को दोस्तों एंड तक वॉच करने की कोशिश करो, काफ़ी कुछ बड़े और इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो दोस्तों अगर आज बात करें सिनकॉम फॉर्मेशन लिमिटेड शेयर की, जो शेयर का प्राइस है 13.91 रुपये, लगभग 67 पैसे का लोअर सेट गया है और 4.60% का ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी था नीचे है। लेकिन दोस्तों जब से बाजार ओपन हुआ था तब शेयर का प्राइस 13.86 रुपये था, अपर सेट गया था 14.29 रुपये का। तो फिलहाल दोस्तों अभी आपको मार्केट में क्या कुछ करनी चाहिए जिससे आप लोग मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक करो, एक घंटे का चार्ट में देखोगे नज़र डाल के तो मार्केट ऑलरेडी काफ़ी नीचे जा चुका है, ठीक है। और इसी महीने का जो टारगेट है और सपोर्ट है, मतलब मेनली सपोर्ट है 10 रुपये का सपोर्ट है, 10 रुपये नीचे जाने के चांसेस 95% तो नहीं है, लेकिन 5% का कुछ कह नहीं सकते क्योंकि लोगों ने ज़्यादा सेल करना प्रेफर कर दिया इसी महीने में काफ़ी ज़्यादा। मतलब लोगों ने एक महीने के लिए इन्वेस्ट करना शुरू किया था, मतलब एक महीने के लोगों का टारगेट था कि एक महीने में जितनी ज़्यादा हो सके प्रॉफिट बुक करेंगे और जितनी ज़्यादा हो सके सेल करके निकल जाएंगे, लोगों का मानना यही था और माइंड सेट यही है। इसी वजह से प्राइस काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मतलब थोड़ा बहुत ग्रीन कैंडल आपको यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल देखने को मिला था, थोड़ा बहुत यहाँ पर देखोगे अच्छा खासा, फिर दोस्तों यहाँ पर और एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है मार्केट में। अभी लोग और ज़्यादा सेल करेंगे, जितना प्रॉफिट ही नहीं हुआ उससे ज़्यादा लोग अभी नुकसान करने बैठ रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देख रहे, लोग शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं कि जितना होगा होगा, नहीं होगा तो बस भाड़ में जाए, ऐसा नहीं होगा और ऐसा चलता नहीं है। और एक हफ्तों में देखोगे लगभग 17% का नुकसान हुआ है लॉन्ग टर्म में देखोगे, तो पिछले 3 महीने में देखोगे तो लगभग दोस्तों 37% का अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। वहीं अगर एक साल का देखोगे 334% का, सोच सकते हो 334% का पिछले एक साल में। मतलब जितनी ज़्यादा लॉन्ग टर्म के देखोगे उतनी ज़्यादा फायदा है, शॉर्ट टर्म का देखने में कोई फायदा नहीं है। और वहीं दोस्तों ट्रेडिंग वॉल्यूम का अगर बात करें तो आज ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं है क्योंकि लोग कम बाय कर रहे हैं और ज़्यादा सेल कर रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर बात करें आज BSE में सिनकॉम फॉर्मेशन शेयर की, तो दोस्तों बायर सेलर्स को जो अपडेट देखो यहाँ पर साफ साफ क्लियर हो जाएंगे। लगभग जो बायर्स हैं 81,276 सेलर्स हैं, 5,98,893, मतलब आज बात करें तो 90% लोगों ने आज सेल किया है और 10% लोगों ने बाय किया, मतलब बायर्स का अमाउंट काफ़ी कम है और सेलर्स का अमाउंट काफ़ी